चला, गोली चला। कमेटो, तुम उनकी तरफ कोई मुजरिम नहीं हो। कमेटो, सोच क्या रहा है तू? कमेटो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुझको डर लग रहा है? हाँ, बोल बोल, डर लग रहा है तुझे? ज्यादा सोच मत, गोली मार, गोली चला। कमेटो, गोली चला, मैं कह रहा हूँ गोली चला। डरपोक कहीं के, ऐसा करके तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। गोली चला, ज्यादा मत सोच। तुझे गैंग में शामिल होना है ना कमेटो, तो सोच मत, गोली मार। मैंने कहा गोली चला कमेटो, ज्यादा मत सोच। है क्या सोच रहा है? हटो, फिर से अपनी हड्डियां तुड़वानी है क्या? पहली बार मजा नहीं आया तुम्हें? कमेटो, ए ए कमेटो सुन, दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो उड़ा दूंगा। क्या कर रहा है तू कमेटो? पागल हो गया है क्या? तुझे मैं तुम लोगों की तरह खूनी नहीं हूँ। अगर मुझे गोली चलाना ही है तो मैं इस पर नहीं तुम पर चलाऊंगा, समझा? ऐसा नहीं कर सकता। देख, हम तेरे दोस्त हैं, शांत हो जा। बोला क्या बोल रही है? देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हटो, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ हट जा, मैं चला यहाँ से, तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, हट जाओ। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे, मैं कहा पकड़ो उसे, चलो और तेज दौड़ो, दौड़ो, पीछे करो उसका। हाँ पकड़ो, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। जल्दी रुक जा, देखो देखो कमेटो भाग ले ना पाए। अरे यार, हम लोग अंदर बंद हो गए। चलो जल्दी चलो, तू हम लोग ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ए कमेटो, आजा। अरे यार, पकड़ो, पकड़ो, चलो चलो भाग ले ना पाए। चलो चलो चलो, देखो वो भाग ले ना पाए। जल्दी जल्दी, कोई यहाँ से जल्दी निकलना हो। चलो मैं इसे जान से मार दूंगा। रुक जाओ, बहुत जल्दी है क्या? नाम क्या है तुम्हारा? बताओ मुझे, नाम क्या है तुम्हारा? लीसा। लीसा, ठीक है लीसा, चलो हम एक खेल खेलते हैं। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम जवाब देना, ठीक है? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा लीसा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो आ जाओ। हाँ तो पहला सवाल, जिस लड़की की तुमने खबर दी थी वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, नहीं पता। मैं फिर पूछता हूँ, वो लड़की कहाँ है जिसके बारे में तुमने खबर दी? तुमने सुना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो लड़की इस वक्त कहाँ है? नहीं पता, सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, माना कि तुम सच कह रही हो, तो दूसरा सवाल, वो बैग पैक कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो बैग पैक? कहाँ है वो? अपने साथ ले गई वो। क्या कहा तुमने? साथ ले गई? और उन पैसों का क्या हुआ? कौन से पैसे? अब कौन से पैसे जो की बात बैग, कर रहे? बैग के अंदर थे? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। उस बैग में सिर्फ गंदे कपड़े थे और कुछ नहीं। वो लड़की तो उस आदमी को छुड़ा कर ले गई जो उसके साथ था। कौन सा आदमी? प्लीज मुझे छोड़ दो। कौन सा आदमी? कौन सा आदमी? मुझे हर बार उसे मुसीबत से बचाता है, उसका बॉयफ्रेंड, वही जो जेल तोड़कर भागा था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। एस्परेंसा, एस्परेंसा, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपनी मर्जी से राजी हो जाओ, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती करने पर
मजबूर कर दिया। तुमने क्यों किया? क्यों किया ये तुमने? ये बस एक्सीडेंट है, ये जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मैंने देखा कि वो कढ़ाई नीचे उतारने गई और वो इसके सिर पर गिर गया। रुको, मुझे इसे उठाने दो, उठाने दो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। पहले मुझे आदमियों के विंग में पहुंच जाने दो, उसके बाद तुम इसकी मदद करना। देखो सियरा, पहली बात तो ये कि हमारे बीच ये इसलिए तय हुआ था ताकि तुम्हारी नौकरी बचाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, पर इसकी जान लेने मैंने कहा ना ये एक्सीडेंट था। बताओ कितना चाहिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए? असल बात तो यही बता। अरे ये मुंह नहीं खोलेगी, तुम बस ये ले लो और अपना मुंह बंद रखो। लो, ठीक है, हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, मिली क्या? नहीं, ये तो कुछ नौसिखे बच्चों का गैंग था और वो इनके हाथ से निकल कर भाग गई। ओ नो, अब क्या होगा? यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि वो लड़की किसी आदमी के साथ थी, कोई था उसके साथ। कौन थे वो आदमी? मैं नहीं जानता। मुझे ये पता लगाना है कि क्या बोगोटा में उसका कोई रिश्तेदार रहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये काम करो। जी सर। एक और बात पता चली है कि वो जेल तोड़कर भागा है, तो वो पक्का यही कहीं होगा। और मिलियन डॉलर्स वो लेकर भाग गई। इन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उस बैकपैक में पैसे थे। अब आगे क्या कदम उठाना है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ था। मैं नहीं चाहता कि सभी एजेंट्स यहाँ आ जाएं। ठीक है जॉनी, ऑफिस में सब संभाल लेना, मेरे बारे में कुछ मत बताना। कोई भी सुराग, कोई भी कॉल, कोई भी खबर मिले तो प्लीज मुझे बता देना। जॉनी मेरी बात समझ गए ना? जी, आप फिक्र मत करो। देखो पेट्रिशिया, तुम क्या कह रही हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, दो आदमियों ने मुझ पर बंदूक तानी थी, पक्का उन्होंने मुझे वार्निंग दी क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि उस आदमी के मैंने फोटोज ली थी। पेट्रिशिया, क्या तुमने उसकी फोटो ली? हाँ, मैंने बताया था ना, मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसकी फोटोज ली। नहीं बेटी, तुमने कहा था कि तुमने सिर्फ उसका पीछा किया, ना कि उसकी फोटो ली। नहीं बताया, पता नहीं शायद भूल गई। तुमने उन फोटो को क्या किया, कहाँ है वो? मैंने वो लेफ्टिनेंट मॉडल्स को दिखाई थी। हेलो, हाँ बेटी, हाँ हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। हाँ रिकार्डो, मैं ठीक हूँ। देखो, ऐसे मामले में पुलिस अपनी फाइल जरूर चेक करती है, अगर उनकी फोटोज या फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो कुछ ना कुछ जरूर पता चल ही जाएगा, है ना पेट्रिशिया? हाँ, पर उस आदमी का कहीं भी चेहरा नहीं दिखा है। वो आदमी फाइल्स में भी कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है वो। पेट्रिशिया, तुम्हें ये सब बंद करना होगा, छानबीन करना प्लीज बंद कर दो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो पेट्रिशिया। नहीं रिकार्डो, मैं उस आदमी को पकड़ने से बस एक कदम की दूरी पर हूँ। पर तुम इस तरह अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रही हो? देखो, अगर जूलियन मेरी जगह होता तो वो भी तुम्हें यही कहता कि ये सब करना तुम बंद कर दो, तुम बहुत बड़े खतरे में फंस सकती हो। फिक्र मत करो, मैं किसी होटल में रुक जाऊंगी, उस आदमी को चकमा देना होगा मुझे। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आके पिक कर लेता हूँ, और वैसे भी इस तरह अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं नहीं, घबराओ मत, लेफ्टिनेंट मॉरल्स को सब कुछ पता है, वो मुझ पर नजर बनाए रखे हैं। तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, देखो तुम मुझे खबर करती रहना। हाँ जरूर, बाय बाय। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी अभी पेट्रिशिया से बात हुई है, उसने कहा कि वो अपनी टांग अड़ाना बंद नहीं करेगी। देखो तुम उस पर नजर रखो, ये काम अच्छे से करना, वरना मैं इस काम के लिए किसी और आदमी को ढूंढ लूंगा, समझे तुम?
और उसने तुम्हारी फोटो पुलिस के पास दे दी, तुम होशियार रहना। और सुनो, मैं ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी डिलीवरी करने में आप लोगों ने बहुत देर की है। देखिए, मैं एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। ओके बाय। कैसी हो तुम और काम कैसा रहा? सीख रही हूँ, पर ठीक ही चल रहा है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, सैमी कैसा है? सैमी अच्छा है, वो आराम से सो गया। सो गया तो मुझे भी बताओ तुमने ये कैसे किया, क्योंकि 8 बजे से पहले तो वो कभी नहीं सोता। देखो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि सैमी अब मुझे बहुत पसंद करने लगा है। वो बहुत देर मेरे साथ खेला, फिर खाना खाया, फिर वो 8 बजे अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। पापा का रोल मैं अच्छा कर लेता हूँ, है ना? शुक्रिया। भूख लगी है? तुम काफी थक गई हो। हाँ, तेज भूख लगी है। मैं कुछ बना देता हूँ, तुम किचन में मेरा साथ देना बस। वैसे मैं इतना खराब कुक भी नहीं हुआ, तुम मेरा साथ दोगी? मैं पहले जाकर सैमी को देखती हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चुप, एस्परेंसा, प्लीज चुप हो जाओ। अगर तुमने अपना मुंह खोला और बताया कि हमारे बीच क्या हुआ था, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हाँ, चाहो तो मुझे मार डालो, पर तुम भी नहीं बचोगे, समझे? मैं नर्स को सब कुछ बता दूंगी, पर तुम्हारा ये खेल खत्म। नहीं नहीं, तुमने अभी तक मुझे जाना नहीं। देखो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम तो मरोगी ही, साथ में तुम्हारी वो मोटी दोस्त मारी बेल भी मरेगी। मैं उसे बहुत मारूंगा और उसके साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे साथ किया है, इसीलिए चुप रहो। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है एस्परेंसा। मिस, प्लीज यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। एस्परेंसा के बारे में कुछ मालूम है? वो अब तक सेल में वापस नहीं आई है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, मिस एना को बुलाइए, क्योंकि उन्होंने ही उसे रसोई में अकेले छोड़ा क्या था, समझा? मेरी बात, तुम्हारी गर्लफ्रेंड खो गई है क्या? पक्का उसने तुम्हें धोखा दिया होगा। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? प्लीज मिस रिटा को बुलाइए, उन्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। वो आज काम पर नहीं आई। क्या मैं कार्ड से पे कर सकती हूँ? नहीं, कैश से ही पे करना होगा। अच्छा चलो, हम लोग एक डील करते हैं। तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे उससे ज्यादा मैं तुम्हें डॉलर्स में पे करूंगी और तुम मेरा हेयर कट करोगी, ठीक है? तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है? हाँ, मेरा परिवार आर्मेनिया में रहता है। मेरे माता पिता की बहुत साल पहले
आर्मेनिया जाते हुए रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से मौत हो गई और इसी वजह से मैं इस चोरी चकारी के काम में फंस गया। ऐसा हम में से बहुतों के साथ होता है। अब ऐसा मत कहना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। है, पर मैं उन लोगों को बचाने के लिए उनके साथ नहीं रह सकता। तुम अपने बारे में कुछ छुपा रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे से लगता है। पर कोई बात नहीं दोस्त, हम सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होते ही हैं। मेरा भी एक सीक्रेट था, पर अब मैं उसे पीछे छोड़ चुका हूँ। वो लोग ना ही मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरी फैमिली, कुछ नहीं। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए शुक्रिया, मतलब उस वक्त तुमने जो नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सब गड़बड़ कर दिया है जूलियन। कोई बात नहीं, सभी को हक है कभी ना कभी कुछ गड़बड़ करने का। बड़ी बात तो यह है कि तुमने अपनी गलती मानी, यही तुम्हारी खासियत है। बोर हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई? तुम्हें लगता है कि मिकेला मेरी गर्लफ्रेंड है? उसे ढूंढने या बुलाने का कोई तरीका है? नहीं, बस फिक्र इस बात की है कि वो उस डीएलए के हाथ में लग जाए। क्या सच में उसने उस आदमी को मारा है? नहीं। तुम्हें ये कैसे पता? जैसे मुझे यह पता था कि तुम ट्रिगर नहीं दबाओगे क्योंकि तुम कातिल नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी जूलियन, हम दोनों यहां से जिंदा नहीं निकल सकते, मैंने तुम्हारी मां से वादा किया है कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम जाओ यहां से। आपको क्या चाहिए? मुझे वो कैमरा दिखाएंगे प्लीज? हाँ जरूर। क्या मैं डॉलर्स में पे कर सकती हूँ? क्या आपके पास कोई और करेंसी है? मैंने पूछा क्योंकि अगर कर सकती तो। देखिए, हमारी स्टोर की पॉलिसीज के हिसाब से आप डॉलर में पे नहीं कर सकती हैं मिस, जब तक कि एक्सचेंज रेट 2200 पेसोस ना हो जाए। ठीक है, दे दीजिए। ओके, क्या आप बताएंगे यहाँ से कोस्ट जाने के लिए बसेस कहाँ से मिलती हैं? क्या किसी ने तुम्हें मारा है एस्परांजा? मुझे बताओ, तुम्हारा रेप तो नहीं हुआ? बताओ मुझे। इसे लेकर आई तब मैंने बताया था ना कि क्या हुआ। स्टोर में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। स्टोर में एक्सीडेंट की वजह से हुआ, फिर भी इसे मेडिकल एग्जामिनर के पास ले जाना ही होगा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लकड़ी का रैक इस पर गिर गया था, इसे वहां से निकालने के लिए मुझे पहले वो रैक निकालना पड़ा। हाँ, मैं इसे अपनी निगरानी में रखूंगी पूरी रात, तुम इसे मेरे साथ जाने दो, मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। तुम इसे लॉक कर रही हो? जैसे तुम अपना काम कर रही हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये बहुत ही खतरनाक कैदी है, इसने पहले भी भागने की कोशिश की है। कबाब ले लो, कबाब, कबाब ले लो, कबाब। आइए आइए आइए, टेस्ट कीजिए, कबाब लीजिए, आइए आइए टेस्ट कीजिए। क्या आप लेंगी मैम? यहाँ के कबाब बहुत टेस्टी है, आप ट्राई करेंगी?
हाँ मुझे एक दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। मैंने सुना था कोस्ट के लिए बसेस यहाँ से मिलती हैं। ओह हाँ बिल्कुल, कोस्ट में कहाँ जाना चाहेंगी? रियो आचा की तरफ। आप डॉन नाचो की 217 नंबर की बस पकड़ सकती हैं। ये बस आपको रियो आचा के पास पहुँचा देगी। कितने हुए इसके? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50। आइए आइए, लीजिए लीजिए, कबाब लीजिए। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए, कबाब लीजिए कबाब लीजिए। क्या ये बस कोस्ट की तरफ जा रही है? जी हाँ, आइए। शुक्रिया। सेलेंटो है ना? हाँ, ये इसका बिल्कुल एंड है। हाँ। बस वहां आगे कोने पर रोक देना। शुक्रिया। उतरो। चलो आइए। अब तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, अपने अंकल के कॉफी फार्म पर चला जाऊंगा। कुछ वक्त के लिए वहां छुप कर काम करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। चलो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही हो। शुक्रिया। ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं का बेटा, ये पैसे तुम रखो, तुम्हें जरूरत है। पागल हो गए हो क्या? ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रखो। ये लो रख लो, ये हमारे चुराए हुए पैसे हैं। ये लो कबेटो, तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अब सब ठीक हो गया ना कबेटो? दोबारा इस झमेले में मत पड़ना, ध्यान रखना अपना। ठीक है। ओके, चलो बाय। गुड लक। शुक्रिया। ये कितने का है? 200।